नमस्कार, मैं इस समय जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में हूँ, 160 हॉस्टल। इस समय मैं बात कर रहा हूँ जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ करके निकले हैं, जो सीनियर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जेएनयू में आए हैं, स्टूडेंट्स मूवमेंट में बहुत हिस्सेदारी रखे हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में, यहाँ से कैसे कैसे मूवमेंट्स चला रहे हैं। अभी पंकज जी मिले मुझे यहाँ पे, आज उन्होंने फर्स्ट पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा। यानी लोग बहुत अवेयर, बहुत संवेदनशील हैं एयू को लेकर के, लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और हमारे साथ जयंत जिज्ञासु जी हैं। जयंत जी पत्रकार हैं, आईएमसी के पत्रकार भी हैं, इस समय जेएनयू में हैं, बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, रिसर्च पे काम कर रहे हैं। ये सारे लोग संवेदनशील हैं, कल सुप्रीम कोर्ट से आने वाले रिजल्ट को सबको इंतजार है। क्या सोचते हैं आप यहाँ के स्कॉलर्स, उन्हीं की जुबानी से सुनिए। जयंत जी, देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, और चूंकि मैं अंग्रेजी साहित्य का छात्र था भागलपुर यूनिवर्सिटी में, टीएनबी कॉलेज में, तो उस वक्त भी जो वहाँ प्रोफेसर्स थे और अच्छे प्रोफेसर्स थे, वो अक्सर फिराक गोरखपुरी, अमरनाथ ठाकुर, हरिवंश राय बच्चन, इन जैसे विद्वानों की चर्चा किया करते थे, जिनकी एक साहित्य जगत में लैंडमार्क उनका एक हस्तक्षेप रहता था। वो एक इंटरवेंशन रखते थे, वो कुछ बोलते थे तो सुना जाता था। और जब आप ऑक्सफर्ड ऑफ ईस्ट कहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, तो उस यूनिवर्सिटी का तो ध्येय वाक्य ही है, कोट कोट से रामे टोटर बोरस, जितनी हजी शाखाएं शाखाएं उतने उतने वृक्ष। आप वृक्ष। देख रहे हैं यहाँ पे बरगद का वृक्ष है। तो यह जो छात्र और अध्यापक के बीच का जो एक जाति राबता बनता था वक्त के साथ साथ, दरअसल उस पूरे अंतर संबंध की जो एक बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी ही खूबसूरत संस्कृति है, उसी को तहस नहस करने की पूरी साजिश चल रही है। जी मुझे ध्यान आता है, चूंकि उत्तर प्रदेश में ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ के दीक्षांत समारोह में जब डॉक्टर राधाकृष्णन गए हुए थे, तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि अ यूनिवर्सिटी इज एसेंशियली अ कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, बोथ हैव टू वर्क टुगेदर फॉर द सिंगल पर्पस ऑफ एडवांसिंग नॉलेज एंड डिसेमिनेटिंग इट एट एनी टाइम। इफ दे आर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंगल पाथ ऑफ परसुइंग ट्रूथ फॉर इट्स ओन सेक एंड गेट लेड अवे, देर विल बी जियोपार्डी टू द यूनिवर्सिटी। अब अगर छात्र और शिक्षक के बीच के संबंध कहीं और से निर्देशित और संचालित होने लगे, या उस संबंध को खूब प्रभावित करने की कोशिश होने लगे प्रशासन द्वारा, यही मूल राज्य कारण सत्ता है। द्वारा, तो फिर इस तरह का जो माहौल है पूरा का पूरा, वो आपके सामने आएगा, और वो किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। किसी को भी इस बात से शिकायत नहीं हो सकती है कि छात्रावास ठीक से चले, छात्रों की समस्याओं को सुना किसी को जाए, दिक्कत उसको नहीं है सर, सुलझाया किसी को जाए, दिक्कत नहीं। लेकिन अचानक से आप बड़े पैमाने पर इस तरह से वॉशआउट करना शुरू कर देंगे, बगैर छात्रों की बुनियादी समस्याओं को और वो क्या चाहते हैं विश्वविद्यालय को संवारने में, वहाँ की संस्कृति को और आगे बढ़ाने में, उसके परिष्कार में वो क्या करना चाहते हैं, इसको अगर आप सुनेंगे, मेरा ख्याल है उस गुफ्तगू से भी बहुत सारी चीज़ें सुलझेंगी। ये सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मसला नहीं है, देश में जितने भी जनपोषित विश्वविद्यालय हैं, उन तमाम पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, ताकि छात्रों की ओर से जो अस्थाई विपक्ष है अभी छात्र तबका, उसकी ओर से कोई आवाज़ नहीं आए। सरकारें आती हैं जाती हैं, वो किसी भी दल की, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, अगर वह छात्रों के के सरोकारों में अगर एक बार घुन अगर लग गया, लग गए, तो वो जाहिर है वो बड़े वृक्ष गलत है। गिराएगा। जिस बरगद की आप जी बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रहा है, तो उसके साथ बहुत दिक्कतें फिर आनी शुरू होती हैं। और बिल्कुल विश्वविद्यालय तो आपके अंदर एक किस्म का बड़ा ही समृद्ध युग बोध और वैश्विक चेतना व दृष्टि पैदा करने का काम करता है, उससे आपको संपन्न करता है। आप बहुत दूर तक अपने युग से आगे कुछ सोच पाते हैं, और सच पूछिए तो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज पर तो सबसे ज़्यादा अटैक हो रहा है कि ये ज़रूरत नहीं है इसको। दरअसल समाज की जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, उसका ठीक ठाक डायग्नोज करके एक हल देना, यही तो काम करते हैं ये लोग। और ह्यूमैनिटीज़ वाले, सोशल साइंसेज वाले तमाम तिक्रमों को, चालबाजियों को बड़े करीने से, सलीके से समझते हैं और एक्सपोज करते हैं। इसीलिए हर यूनिवर्सिटी में, आप जेएनयू को ले लीजिए, गंगा ढाबे की जो अपनी संस्कृति रही है, जहाँ पर लोग बैठ कर देर रात तक देश दुनिया, समाज और अपने आसपास की जो दिक्कतें थी उन पर चर्चा करते थे, उन पर जबरदस्त किस्म का उसमें मानस भी मंथन कुछ होता लोगों था, की जो बड़ी भौहें गिरावट। टेढ़ी हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए वो कहते हैं ना कि ये शाख काटी, वो शाख काटी, इसे उजाड़ा, उसे उजाड़ा,
सितम से सितम बाग वहाँ के सयाद से बढ़कर है, क्या बात है। तो वो सारी जगह आपको देखने को मिलेगा। हाँ तो क्या सर माहौल बन रहा है यहाँ पे, मतलब जेएनयू के अंदर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं कि विश्वविद्यालय के बारे में, कि क्या वाकई उसकी संस्कृति छात्रों के बारे में सोचना चाहिए उनको? मेरा ख्याल है कि हर यूनिवर्सिटी अगर अगर के, अगर छात्रों के खिलाफ कुछ एक्शन आता है तो क्या रिएक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए ये आता नहीं है, ये अब जो कोर्ट का निर्णय आना है, मैं समझता हूँ कि हम लोगों को थोड़ा आशान्वित रहना चाहिए जी कि वो छात्र हित में ही फैसला आएगा। और ये सिर्फ छात्र हित में नहीं, यह छात्र हित, शिक्षक हित, शोध हित, और व्यापकता में देखें तो शिक्षा हित में, मानवता हित में फैसले जो अगर आते हैं सकारात्मक, तो वह लंबी बहुत देर तक वह आवाज जाएगी, और बाकी विश्वविद्यालय में भी जो संघर्ष चल रहे हैं उसको भी बल मिलेगा। मैं तो समझता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से, और सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, आप देखिए गलतियाँ हो सकती हैं कुछ खास लोगों द्वारा, एक टुकड़े द्वारा, कुछ चंद लोगों के समूह द्वारा, लेकिन जो लोग पी चिदम्बरम जैसे लोग जिन्होंने क्या क्या नहीं किया ग्रीन हंट के नाम पर, उन्होंने एक दिलचस्प टिप्पणी की थी जो मैं आपके साथ साझा जी करना बिल्कुल चाहता हूँ, बिल्कुल कि विश्वविद्यालय में ज़रूरी नहीं है कि विद्वान ही हों, आप यहाँ हास्यास्पद भी हो सकते हैं। तो ये हास्यास्पद स्थिति पैदा करने वाले लोग भी, इतना बड़ा, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तरह तरह के लोग पहुंचते हैं वहाँ, सहमति का विवेक अगर दिखाएगा तो असहमति का साहस रखने वाले साहस लोग रखना भी बिल्कुल होते हैं, होते हैं, होते है ना। हैं। तो इसलिए इसको इस परिप्रेक्ष्य में ही इस दृष्टि के साथ और देखना चाहिए। सर हम लोग हैशटैग सेव एयू कल्चर चला रहे हैं, तो आप, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कहिए कि हैशटैग के साथ सेव एयू कल्चर। जी, जी आप बताएं। नशे मन ही के लुट जाने का गम होता तो क्या गम था, नशे मन ही के लुट जाने का गम होता तो क्या गम था, यहाँ तो बेचने वालों ने गुलशन तक बेच डाला है। वाह, अगर थोड़ी बहुत भी शर्मो हया बची हुई है कुलपति के अंदर, अगर अगर तो थोड़ी उनको बहुत भी शर्मो हया बची हुई है कुलपति के, कुलपति तो के अंदर। जी निश्चित रूप से उनको छात्रों के हितों का ध्यान रखते हुए संज्ञान लेना चाहिए, छात्र हित में फैसले लेना चाहिए, इस तरह से क्रश नहीं करना चाहिए। इसलिए सेव एयू कल्चर, सर, ये दर्शकों दर्शकों से हैशटैग दर्शकों से हैशटैग सेव एयू कल्चर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बचाने में आप जितना कुछ भी योगदान दे सकते हैं, मुट्ठी भर ऊर्जा भी इसमें आप जरूर दें। नागार्जुन मुझे याद आता है कि नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, क्या बात है। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, इस विशाल भूखंड में जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है उसमें, तो उस संघर्ष में आपकी भी आभा दिखे, इसका थोड़ा सा ख्याल रखते हुए आप इस आंदोलन के साथ आइए। और जिस विश्वविद्यालय ने सुभाष कश्यप जैसे संविधानवीर को दिया है, और वो भी उनके बारे में ये है कि जो टाइम फ्रेम बिल्कुल था उससे ज्यादा दिनों तक वहाँ रहे, लेकिन वो छात्र हित में, मानवता हित में जी फैसले जी ले रहे थे, बिल्कुल, संविधान अगर को वो बचाने नहीं के लिए लिख रहे रहते थे। तो आज हाँ वो शायद सुभाष कश्यप होते भी नहीं, नहीं। तो कई बार ब्योर द एग्जैक्टली, लाइन्स भी बियॉन्ड जाना पड़ता है। वो मैग्नानिमिटी, दो शब्द और है, मैग्नानिमिटी एंड परसिवरेंस, हाँ, उदारता और अध्यवसाय, इसी से विश्वविद्यालय आगे और बढ़ता है। बियॉन्ड द वर्ड करने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही कल्चर रहा है, उसका तो एग्जैक्टली, तेवर ही रही यही रहा है। बिल्कुल, तो थैंक यू हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत ये थे जयंत जिज्ञासु हमारे साथ, बहुत जाने माने पत्रकार और अच्छे शोधार्थी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ। तो मैं व्यक्तिगत आपसे अपील करता हूँ कि प्लीज़ हैशटैग सेव एयू कल्चर। थैंक यू वेरी मच।